हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ हैवी बॉल ऑफ मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ कार बाय लाइट स्प्रिंग ऑफ मास स्मॉल एम। स्मॉल एम इज मच मच लेस देन कैपिटल एम। व्हेन द कार इज एट रेस्ट द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग इज 60 मीटर पर सेकेंड। व्हेन द कार हैज एक्सेलरेशन ए द वेव स्पीड इंक्रीजेस टू 60.5 मीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज क्लोजेस्ट टू। हमें ऑप्शन गिवन है ए जी बाय 20, बी ऑप्शन गिवन है जी बाय 5, सी ऑप्शन गिवन है जी बाय 30, डी ऑप्शन इज जी बाय 10। ऑलराइट, सो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सिचुएशन को, सो वी विल यूज द की कंसेप्ट ओवर हियर एज। सो हम यहाँ पे की कंसेप्ट के बारे में फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। वी विल बी यूजिंग द फर्स्ट एक्सप्रेशन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय द फॉर्मूला वी इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाय म्यू। यहाँ पे टी टेंशन इन स्ट्रिंग है, म्यू इज लीनियर डेंसिटी। ऑलराइट, ये फर्स्ट पार्ट हम यूज करेंगे। सेकेंड पार्ट जस्ट वी विल बी यूजिंग इज द कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, और हम इसे रेजोल्यूशन या फिर ग्राउंड फ्रेम से भी कंसिडर कर सकते हैं, बट इन दिस प्रॉब्लम वी विल बी यूजिंग सूडो फोर्स कंसेप्ट। ऑलराइट, सो ये दो कंसेप्ट पे दिस वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस गिवन प्रॉब्लम। सो यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो फर्स्ट सिचुएशन जो हमें गिवन है, दैट इज अगर हम केयरफुली लिखें, सो फर्स्ट सिचुएशन ये है कि जब स्ट्रिंग टाइड है सीलिंग से कार की और कार इज नॉट मूविंग, तो इन दिस केस वी कैन से टेंशन इसमें डेवलप होगा ऊपर की तरफ और इसका जो वेट लग रहा होगा कैपिटल एम इनटू जी नीचे की तरफ। सो हम जो है स्ट्रिंग का मास निग्लेक्ट करेंगे बिकॉज इट इज बीन गिवन के स्ट्रिंग का जो मास है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू मास ऑफ दिस बॉल। ऑलराइट, सो यहाँ पे वी कैन से के जो वैल्यू आएगी टेंशन की वो आएगी हमारे पास विल बी इक्वल्स टू एम जी। ऑलराइट, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है टेंशन की, सो नाउ वी कैन से अगर वेलोसिटी की हम बात करें, सो वेलोसिटी ऑफ वेव अगर हम बात करें ट्रैवलिंग वेव जो होगी इसकी वेलोसिटी हम लिख सकते हैं, इट विल बी अंडर रूट ऑफ टी की जगह हम एम जी लिख देंगे अपॉन म्यू इज नथिंग बट इट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो हम अगर लेंथ एल मान लेते हैं इसकी, सो इट विल बी एम बाई एल। ऑलराइट, तो यहाँ पे एम वी विल बी नॉट कैंसलिंग इट आउट, हम उसे आगे कैंसल होगा वो, इसीलिए हम इसे एज इट इज रखते हैं और हम कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर वन है हमारा। इन द सेकेंड केस हमसे कहा जा रहा है कि नाउ द कार हैज एन एक्सेलरेशन, सो जब कार एक्सेलरेट करेगी सो वी कैन से द स्ट्रिंग विल स्विंग इन दिस डायरेक्शन। ऑलराइट, और लेट्स से ये एंगल थीटा बन जाएगा यहाँ पे, तो हम एक सूडो फोर्स अप्लाई कर देंगे इसमें इन द अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स वर्क। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है कार का, सो जस्ट वी हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड अप्लाई इट ऑन द बॉडी। सो यही बॉडी हमारी कैपिटल एम मास की है, सो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो पीछे की तरफ एम ए होगा और नीचे की तरफ इसका जो खुद का वेट होगा वो एक्ट कर रहा होगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी लेट्स से टी डैश होगी इन दिस केस, और ये टेंशन को अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो ये जी इफेक्टिव बैलेंस कर रहा होगा, और वी कैन से इफेक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। सो वी कैन से जो टी डैश का जो हमें वैल्यू मिलने वाला है इस केस में वो होगा एम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ऑलराइट, यहाँ से अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो इट विल बिकम बी डैश एंड इट विल बी अंडर रूट ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाय अगेन मास पर यूनिट लेंथ हम लेंगे एम बाय एल, हम इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर अपना 2। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी हैव टू डिवाइड टू 1 एंड 2। सो हम कह सकते हैं वी विल गेट V1 by V dash. Now हम कह सकते हैं now V1 by V dash will be equals to M by L. M by L from both side can be cancelled out. So हमारे पास जो चीज़ें बचेंगी वो होंगी MG भी यहाँ से cancel हो सकता है, तो सिर्फ जो चीज़ हमारे पास बचेगी वो होगी G upon A square plus G square raised to 1/2. Alright, अब जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करके A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो अब हम कह सकते हैं अगर हम इसी एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकेट कर दें तो इट विल बिकम वी डैश अपॉन वी, क्योंकि हमें जो सेकंड केस की वैल्यू दी हुई है वो वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, सो जस्ट वी विल रेसिप्रोकेट इट। सो ये जो चीज़ बनेगी ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर रेज टू 1/2 द होल डिवाइड बाय जी। ऑलराइट, वी डैश हमें 60.5 गिवन है और नीचे वैल्यू है 60, सो हम इसे लिख सकते हैं 1 + 0.5/60। हमने कॉमन डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया ये और हम इस बोथ साइड वी विल स्क्वायर इट, सो यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ जो टर्म बचेगा वो होगा ए स्क्वायर
प्लस जी स्क्वायर ऑलराइट डिवाइडेड बाय जी, सो और ये होगा रूट के अंदर. सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन वी विल बी गेटिंग. नाउ जस्ट हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करना है. यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं, जस्ट वी विल डू वन थिंग कि ये जी स्क्वायर को भी हम अंदर ले जाएं अगर, सो इट विल बिकम वी कैन राइट इट एज टू बी 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर रेस टू 1/2. हमने जस्ट ये किया है कि पहले स्क्वायर करने पे ये रूट हट जाएगा एंड वी विल अब अभी भी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है, सो वी हैव टेकन जी इनसाइड द रूट, सो ये जी स्क्वायर बन गया और हमने कॉमनली स्प्लिट कर दिया. तो यहाँ वन बचा और यहाँ पे ये चीजें बची. ऑलराइट, नाउ यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन हम कह सकते हैं बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन हम अगर इसे एक्सपांड कर दें तो व्हाट एक्सप्रेशन वी विल गेट, 1 प्लस ऑफ 2 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 60 और यहाँ पे जो चीज बचेगी वो होगी 1 प्लस हाफ ए स्क्वायर बाय जी स्क्वायर. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए वी कैन से 1 और 1 विल गेट कैंसल आउट फ्रॉम हियर और ये जो चीज बनेगी ये हमारे पास होगी 1/60 विल बी इक्वल्स टू, और टू बी प्रिसाइज हम इसे 1/30 कह देते हैं और यहाँ पे ये होगा ए स्क्वायर बाय जी स्क्वायर. सो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास जी बाय रूट 30 और रूट 30 इज क्लोज टू 5. So the answer finally हमें मिलेगा वो होगा g by 5. So this is what the answer we will be getting, जो कि हमारा option b के साथ match करेगा. So I hope you understood it well. All the best.